दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अजय गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उसके अंडरवर्ल्ड के चार गैंगस्टर हाफिज बलूच, इकबाल इब्राहिम कास्कर, सुभाष ठाकुर और आरिफ जान के साथ मुंबई में 11 साल से मजबूत संबंध है। चार महीने की कोशिश के बाद अजय को 6 जनवरी को बदरपुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अजय गुर्जर एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी है और उसने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक अगस्त 2021 के महीने में दो लोगों के बीच एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था। इसमें गैंगस्टर सत्येंद्र उर्फ सत्ते अपने सहयोगी अजय गुर्जर से विरोधी गैंग के एक सदस्य की हत्या को अंजाम देने के लिए AK-47 राइफल की व्यवस्था करने के लिए कह रहा था। 17 अगस्त 2021 को स्पेशल सेल द्वारा सत्येंद्र उर्फ सत्ते की गिरफ्तारी के वायरल ऑडियो कॉल में दूसरे छोर पर अजय गुर्जर का नाम कॉलर के रूप में पहचाना गया। तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस के मुताबिक अजय गुर्जर छोटी छोटी बातों पर भी आक्रामक हो जाता है। उसने साल 2004 में मारपीट करके एक शख्स को चाकू मार दिया था और उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद वो अपराधियों से जुड़ गया और इलाके के अच्छे लोगों से रंगदारी मांगने लगा। वो पिछले 15 सालों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, हमला, दंगा, आपराधिक धमकी, आर्म्स एक्ट के 2 दर्जन से अधिक मामलों में शामिल पाया गया है। वो सिर्फ रंगदारी के 10 से ज्यादा मामलों में शामिल है। अजय गुर्जर ने हरियाणा और राजस्थान में रंगदारी के लिए कई बार गोलियां चलाई हैं। अजय गुर्जर हाफिज बलूच और अंडरवर्ल्ड के अन्य गैंगस्टरों की लाइफस्टाइल से काफी प्रभावित था। अजय गुर्जर के मुंबई में 4 कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरों हाफिज बलूच, इकबाल इब्राहिम कास्कर, सुभाष ठाकुर और आरिफ जान यानी छोटा शकील के बहनोई के साथ अच्छे संबंध हैं। अजय गुर्जर को हाफिज बलूच द्वारा भाई जी कोट नाम दिया गया था। अजय गुर्जर ने खुलासा किया है कि वो कुख्यात गैंगस्टर सुभाष ठाकुर और हाफिज बलूच की टीम का हिस्सा था। इन लोगों ने मुंबई में गैंग वॉर में अपने विरोधी गैंग के कई सदस्यों की हत्याएं की थी। अजय गुर्जर ने सुभाष ठाकुर सहित अपने सहयोगियों के साथ साल 2008 से 2018 के बीच हरियाणा और राजस्थान में व्यवसायियों, डॉक्टरों, एक पार्षद, हरियाणा के 2 पूर्व मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों सहित प्रमुख लोगों से रंगदारी मांगी थी। अजय गुर्जर करीब 10 महीने पहले जेल से छूट कर आया था। पुलिस के मुताबिक अजय गुर्जर ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। उसने राष्ट्रीय स्तर पर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसने भूटान में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भी भाग लिया था और साल 2003 में रजत पदक जीता था। वो 2005 में मुंबई में आयोजित एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहा था।